सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शाश्वत शुक्ला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स। आज मैं आपके लिए इंग्लिश सेकंड का लेटर एंड एप्लीकेशन और एस्से लेकर आया हूँ। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एस्से राइटिंग। इससे राइटिंग फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर अगले वीडियो में आपको लेटर मिलेगा, फिर उसके अगले वीडियो में आपको एप्लीकेशन मिलेगा। मैं एकदम स्कीम के हिसाब से आपके आंसर और उसके क्वेश्चंस दे रहा हूँ और सॉल्व नोट्स दे रहा हूँ आपके स्कीम के हिसाब से। तो हमने हिंदी कंप्लीट कर दी थी, हिंदी के बाद कुछ रिक्वेस्ट आई थी सर इंग्लिश सेकंड के बना दीजिए, तो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इंग्लिश सेकंड के लिए। तो हिंदी के बाद मैं फ्रेंड्स मैथ अपलोड करने वाला हूँ, मैथ के बाद मैं फिजिक्स अपलोड करने वाला हूँ। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। हमारा वीडियो आप लाइक ज़रूर किया करिए और आप शेयर भी ज़रूर किया करिए अपने फ्रेंड्स को, उनकी भी हेल्प करिए ताकि वो यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर पा सके। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा चैनल आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आ रहा है सीबीएसई एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के नोट्स। तो फ्रेंड्स आप जितने सीबीएसई फ्रेंड्स को जानते हो तो आप बता दीजिए हमारे चैनल के बारे में कि आपका हमारा ओम ट्रिक्स लेकर आ रहा है आपके लिए सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर, एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में फ्रेंड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, कोई अदर एस्से नहीं इंपॉर्टेंट। आप कहीं से याद करेंगे, केवल हमारे एस्से याद करेंगे, उसमें वैसे आपके यूपी बोर्ड का आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लेटर जो आपको याद कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपको याद करना है APJ अब्दुल कलाम, अवर फेवरेट नेशनल लीडर अब्दुल कलाम जी का याद करना है। इस पर टिक है यहाँ पे फ्रेंड्स, तो आपका ये जो टिक है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करें। अगला मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपको याद करना है। आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखा करिए और याद कर लिया करिए जितना मैं आपको दिया करूँ। फिर अगला आपका है जो आपको याद करना है अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में आपको लिखना है। फिर अगला है आपका पोजिशन ऑफ वुमेन इन टूडे, पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे, ये इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड का, आपको इसे भी तैयार करना है बिल्कुल अच्छे से। इनमें में से कोई ना कोई आपका यूपी बोर्ड में आ जाएगा। अगला है आपका इंटरनेशनल योगा डे, ये आपका याद करना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, आपको ये तैयार करना है। फिर अगला है आपका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने में क्या समस्याएं हैं, आपको ये याद करना है, यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट है। केवल आपको मैं जितने बता रहा हूँ, जितने आपको दिखा रहा हूँ, केवल उतने ही याद करने हैं, अदर कोई नहीं याद करना है। अगला आपका है जो याद करना है करप्शन इन इंडिया, पॉलिटिकल करप्शन, इंडियन पॉलिटिक्स एंड क्रिमिनल्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड के लिए। ये तो यूपी बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के 100% चांस है मेरे, शायद ये आ जाए आपके यूपी बोर्ड में एग्जामिनेशन के टाइम। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए हमारा, बिल्कुल छोड़िए मत, जैसे जैसे मैं आपको समझाता जा रहा हूँ आप सेम मेरी बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। आप यूपी बोर्ड में 85 से लेकर 90% आप यूपी बोर्ड में बहुत आराम से ला सकते हैं। 12th की परीक्षाएँ कुछ खास कठिन नहीं होती हैं, इजी होती हैं, बस आप जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा करते जाइए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आपका अगला है प्राइस राइज अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये आपको याद कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, इसका आपको पूरा सॉल्व आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप याद कर लीजिएगा इसको बिल्कुल से बिल्कुल। फिर आपका है अगला साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द इंटरनेट यूजेस, आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। आपका ये अगला है डेवलपिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द इंटरनेट यूजेस। फिर आपका अगला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड मोबाइल एंड अब्यूजेस, मोबाइल फोन बून और बेन, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा, यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट है। फिर इधर कोई फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं सर्च करता हूँ जहाँ पे हमारे टिक लगे होंगे, केवल आपको मैं वही याद करवाऊँगा। आपके विद्या में तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिक लगे होंगे पर उनमें मैसेज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केवल आपको उतने ही तैयार कर रहे हैं, अदर कुछ याद नहीं करना है। आप मेरी बात तो आपके इतने ही याद करने थे।
जितने मैंने आपको बताए आपको केवल इतने याद करने थे, और जितने याद करने थे आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये था हमारा एस्से लेटर, एस्से राइटिंग, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। एस्से आपका 100, चलिए मैं पढ़ के बता देता हूँ। परीक्षा में एस्से राइटिंग के लिए 4 या 5 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से किसी एक पर लगभग 150 वर्ड में एस्से लिखना होता है। इसके लिए 8 अंक निर्धारित हैं। तो मैंने जितने बताए हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें तैयार कर लेंगे तो आप 8 नंबर इंग्लिश में बहुत ही आराम से ले सकते हैं, और इसमें कोई भी आपको नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि एस्से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यूपी बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है। तो 8 नंबर का आपका एस्से आना ही आना है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा। जितने मैंने आपको बताएं केवल आपको इतने तैयार करने हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओम टेक्स।